मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो किसी ऐसे दुखद घटना में शरीक होकर लोगों को समाधान करना और उनका समस्या को सुलझाना नहीं चाहते इसको, क्योंकि वो खुद ही ये चाहते कि ऐसी अशांति रहे। अगर वो चाहते शांति रहे तो ज़रूर प्रधानमंत्री कोशिश करते थे। कल ही मणिपुर से एक जघन्य अपराध, एक महिला, दो महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है उसका एक वीडियो सामने आया है, देश के सामने आया है। ये घटना 2 महीने पहले की है। पुलिस स्टेशन से उनको खदेड़कर उन महिलाओं को निकाला गया था और जिस तरीके से एक शर्मनाक, दर्दनाक हादसा सामने आया है वो देश को शर्मसार करने वाला है, मन को विचलित करने वाला है। महिला सांसद होने के नाते मैं चाहती हूँ मणिपुर पे चर्चा हो। मणिपुर की जो सीमाएं हैं वो बर्मा से, जो अब नया नाम हो गया म्यांमार, उससे लगती है। आप जानते हैं वहाँ पर जो शासन है, मिलिट्री शासन है, सारे एक्सट्रीमिस्ट वहाँ से होके आते हैं, अंदर आते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। अगर अब व्यवस्था यहाँ रहेगी तो क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म टाइप की, जैसे पाकिस्तान की तरफ से आता है हमारे यहाँ, वैसे ही बर्मा के आना शुरू हो जाएगा। और इसलिए गवर्नमेंट को इस पर कोई सार्थक कदम उठाना चाहिए। गृहमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई थी, मेरा अपना जो जानकारी है हमारे पास उसके हिसाब से ये सारा जो अव्यवस्था हुई है वहाँ, वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट हो गई है, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है उसके जरिए हुई है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है।